दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी कढ़ाई पनीर। उसके लिए मैंने सबसे पहले 100 ग्राम पनीर लिया है। इसमें हम पनीर में हल्का सा नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छा से मिक्स हो गया। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। इसमें नमक हल्दी इसलिए डालेंगे कि कच्चा पनीर फीका फीका न लगे। इसको हम अच्छा से तलेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे पनीर को। देखिए, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। हम इसी तेल में थोड़ा सा डालेंगे शिमला मिर्च, हल्का हल्का भूनेंगे। देखिए, भून गया है, हल्का सा और भूनेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। इसी में मैं डालूंगी प्याज, इसको भी ब्राउन फ्राई करेंगे हल्का हल्का। देखिए, प्याज भी अब भून गया है, इसको भी निकाल लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, दालचीनी, मिर्चा, लहसुन अदरक, डालूंगी प्याज, अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, अच्छे से भूनेंगे। इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालिए। इसको अच्छे से गलने तक पकाएं। लगभग पक गया है। हम गैस को बंद करेंगे और इसको अच्छे से ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई में तेल डाला, फिर से उसमें जीरा डाली, तेज पत्ता, मैंने जो ग्राइंड किया है मसाला उसको डालूंगी। इसमें डालूंगी मसाले, चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे पनीर मसाला। इसको ढक देते हैं जब तक ये तेल नहीं छोड़ते। इसको अच्छे से पकाएंगे कम आंच पे।
देखिए ऑयल छोड़ने लगा है, इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि जो मैंने मसाला बनाया था उसमें मैंने नमक डाली थी। थोड़ी देर और मसालों को पकाऊंगी। देखते हैं मसाला पक गया। देखिए मसाला पक गया है, तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। फिर इसको ढक के 2 मिनट पकाऊंगी। अब ये 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैं चला के दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पनीर। कितना इसका अच्छा कलर और देखने में बहुत टेस्टी है। इसको मैं बस ढक के 2 मिनट पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए कढ़ाई पनीर हो गया तैयार, कितना अच्छा बना है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।